अगर आप दिल्ली एनसीआर में घूमना चाहेंगे तो यहाँ पर फरीदाबाद वालों के लिए ये तो बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपके लिए एक गिव अवे प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ, आने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपये कैश, कोई सस्ता मुस्ता गिफ्ट नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त जेडी आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आ चुका हूं। और आज हम आ गए हैं ओमेक्स वॉल स्ट्रीट, जहां पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और फोटोग्राफी करने के लिए अच्छी अच्छी लोकेशन भी मिलेंगी। और यहां जो वॉल स्ट्रीट के अंदर है, थीम है, काफी सारी जो कंट्रीज हैं उनकी स्ट्रीट को बनाया गया है और पूरी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहे पूरी वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा वाला डब्लू और इसके नीचे से अब निकलने वाले हैं 10 करोड़ रुपए। लड़के बुलाए मैंने, अभी खुदाई होगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ स्टोर्स आपको मिल जाते हैं शॉपिंग के लिए। और ये देखिए आप, छोटे छोटा इन्होंने जो है यहाँ पर पूरा शॉप्स पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। अच्छा है, नाइस है। अभी तक जो क्राउड है वो काफी अच्छा क्राउड है, वेल क्राउड है। और आज सैटरडे नाइट है, यहाँ पर हम आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि वो बोर ना हो बिजी अपने माँ बाप के साथ। हम सब जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सा रात के अंदर यहाँ आए और थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का ऐसा ही है, अभी समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, कुछ हमें इतना अच्छा लग नहीं रहा। तो हमने वीडियोज में और यूट्यूब के व्लॉग में देखा है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हम वो आपको बताएंगे कि हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो बाकी देखते हैं, अभी तक फिलहाल 200 ही है हमारा एक्सपीरियंस, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन जगह में वाइब नहीं है, पता नहीं क्यों, अच्छा बना हुआ है, वाइब नहीं आ रही। क्यों भाई वजी? सही बात, वाइब नहीं आ रही। सही बात है। देखो बात तो लेकिन सही है, लेकिन बात हकीकत में सही है, वाइब नहीं है। तो बहुत ज्यादा वाइब ना आने के बाद भी हमने अपनी कोशिश को बरकरार रखा, यानी कि हमारे पैर में भी इतना दर्द हो गया था कि ऐसा लग रहा था अब हमें पैरों पे फट्टे बांध के चलने पड़ेंगे, यानी कि इतने ज्यादा पैरों में हमारे दर्द हो चुका था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस जो ओमेक्स वॉल स्ट्रीट है इसके अंदर लंदन स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट और एम्स्टरडम स्ट्रीट, इनकी ही पूरी स्ट्रीट बनाई गई है, यानी कि गलियां बनाई गई हैं। यहाँ पर कोई भी मॉल आपको नहीं मिलता। आप मेरे लेफ्ट साइड में ये जो शॉप्स और जो भी ये सब देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, बस यही यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ मॉल के एक साइड के अंदर हमें एक छोटा सा ट्रेड फेयर दिखा, यानी कि कैनोपी टाइप एक फेयर लगा हुआ था, जहाँ लेडीज कुर्ती, टी शर्ट्स एंड लेडीज बैग और बहुत सारे सामान मिल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में ये भी कवर करके दिखा दें। अच्छी जगह है वॉल स्ट्रीट ओमेक्स, एक अच्छा इनिशिएटिव है, कुछ यूनिक करने की कोशिश की गई है। हो सकता है आपको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक भी लगे, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा, उतना जितना हाई पीरियड है उतना नहीं था। और यहाँ इस मोमेंट पे वीडियो के अंदर यहाँ सामने स्टेज था, तो थोड़ा मैं मस्ती वगैरह करने लगा। अब जल्दी से वीडियो में बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। सबसे पहले प्रोज जो हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो कि अपनी रील शूट करते हैं या वीडियोस बनाते हैं या फोटो कैप्चर करते हैं, फोटोजेनिक की जगह बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए, वो आ सकते हैं, थोड़ी देर यहाँ रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कॉन्स क्या है, कॉन्स यहाँ का ये है, ये एक गली की तरह है, एक मार्केट की तरह है। जैसे सीपी है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, जो भी हमें खाना होता है वहाँ खाते हैं या जो भी हमें परचेज करना होता है करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगर आप मॉल का सोच के आएंगे कि यहाँ पर हमें बाहर बैठ के मजा आएगा, तो यहाँ पर सॉरी कोई एसी वगैरह नहीं है, कुछ कुछ जगह बैठने की जगह है, ज्यादा बैठने की जगह नहीं है, ये एक मार्केट की तरह है, तो उसे उसी तरह देखे। बाकी मेरा रिव्यू यहाँ मिक्सअप था, हो सकता है यहाँ पर आके आपको अच्छा लगे और उनके लिए अच्छा है जो लोग फोटो या वीडियोग्राफी करते हैं, वो मैं आपको प्रोज में बता ही चुका हूँ। तो बेसिकली फरीदाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिससे लोग अट्रैक्ट हों और यहाँ आके शॉपिंग कर सके, इस जगह को बनाने का पर्पस यही है, लोग आए यहाँ, एक ऐसी जगह हो जहाँ वो फोटो खींच सके, एंजॉय कर सके। और यहाँ फरीदाबाद में
शॉपिंग की एक मार्केट बन सके। हमारा रिव्यू आ चुका है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में घूमना चाहेंगे तो यहाँ पर फरीदाबाद वालों के लिए ये तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फरीदाबाद वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा 101%, लेकिन दिल्ली के और कोने से जो लोग यहाँ पर काफी दूर का सफर करके यहाँ पर इंजॉयमेंट के पर्पस से आते हैं, उनके लिए शायद उनको थोड़ी सी निराशा यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आज सैटरडे नाइट है और आप देख सकते हैं क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सैटरडे नाइट में दिल्ली की हर जगह क्राउड होता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ नहीं है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आई। देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसी तरह की लोकेशन रहेगी फोटोजेनिक, आप शायद फोटोज वगैरह तो ले सकते हैं यहाँ की कुछ लोकेशन पे आके, लेकिन शायद आपको इंजॉयमेंट के पर्पज से दिल्ली की और जगह जो मजा आता है, जो फील आती है, वो शायद ना आए। हो सकता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार आप जरूर यहाँ पर आके ट्राई करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि आपका कैसा रहा, आप मुझसे सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। आपके लिए ये व्लॉग बनाया था, जो भी हमारा जेन्युइन रिव्यू है वो हमने आपको बताया। फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई जगह। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं आपके लिए एक गिव अवे प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ। आप वीडियो को शेयर करेंगे 5 ग्रुप्स के अंदर, इसमें मिनिमम 100-100 मेंबर हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब हमारी वीडियो के 2,00,000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं विनर अनाउंस करूंगा और जीतने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपए कैश। ये था हमारी वीडियो में सरप्राइज आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जेन्युइन रिव्यूज के लिए JD व्लॉग्स को फॉलो करें। बाय, टेक केयर।